नौकरियों के मामले में इस साल कंपनियों में बड़ी उथल पुथल दिखाई देने की संभावना है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस साल बड़ी संख्या में कर्मचारी नौकरियां छोड़ने के लिए तैयार हैं। नौकरी बदलने से पहले कर्मचारियों को इंतजार इंक्रीमेंट लेटर का है। इसके बाद अनुमान है कि इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म नमन एचआर के मुताबिक हर 10 में से 4 कर्मचारी इस साल इंक्रीमेंट के बाद अपनी मौजूदा कंपनी छोड़ना चाहते हैं। वहीं अगर लैंगिक आधार पर देखा जाए तो हर 10 पुरुष कर्मचारी में से 6 आने वाले महीनों में अपने मौजूदा वर्कप्लेस को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस सर्वे में हर एक सेक्टर में नौकरी छोड़ने वालों का अलग से जिक्र किया गया है। नमन एचआर के डेटा के मुताबिक सर्विसेज सेक्टर के 37% कर्मचारी सैलरी बढ़ने के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। वहीं आईटी सेक्टर में काम करने वाले 27% लोग वेतन बढ़ोतरी के बाद अपनी नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट के बाद नौकरी बदलने का इरादा रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 31% है। नमन एचआर के ग्रेट रेजिग्नेशन सर्वे 2022 में अलग अलग सेक्टर्स के 500 से ज्यादा संगठनों को शामिल किया गया है। इस सर्वे का मकसद ये पता लगाना था कि लेबर मार्केट में लोग किन वजहों से नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सैलरी में धीमी ग्रोथ किसी भी नौकरी को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है और 54.8% लोग इसी के चलते नौकरी बदलेंगे। वर्क लाइफ में असंतुलन की वजह से 41.4% लोग नौकरी बदलना चाहते हैं। ग्रोथ के कम मौके मिलने से भी 33.3% लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं। काम की तारीफ न होने की कमी के चलते 28.1% लोग नौकरी बदलेंगे। सर्वे में शामिल केवल 15% नौकरी पेशा लोगों ने कहा कि वो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर की वजह से नौकरी छोड़ना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि लोगों के नौकरी छोड़ने से कंपनियों को टैलेंट को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। ऐसे में माना जा सकता है कि कंपनियों को कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए उन्हें काम करने के लिए समय में लचीलापन देना होगा, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में मदद करनी होगी, नियमित तौर पर सैलरी में जरूरी इजाफा करना होगा, वरिष्ठ अधिकारियों को अपने मातहतों के अच्छे काम की तारीफ करनी होगी और इस सब के साथ ही बेहतर पैकेज और बेनिफिट से कर्मचारियों को कंपनी में रोका जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।